Ravichandra Vilas. Properties. Charu and Seth. Salim नहीं है अभी. चलिए जी फाइल ओपन करते हैं अपनी. क्या पढ़ा तुमने लास्ट? प्रॉपर्टीज. ओके, एनिमेशन तक हम लोगों ने इसमें कंप्लीट कर लिया था, तो प्रॉपर्टी वाला पार्ट हमारा कंप्लीट है. तो फोल्डर की एक कॉपी बना लेंगे फटाफट, कॉपी पेस्ट, और इसको रीनेम करिए. टुडे इज 16. सर्वर बंद करो और दोबारा वीएस कोड को लॉन्च करो. प्रॉपर्टी के बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है बॉक्स साइजिंग. बॉक्स साइजिंग हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. रिकॉर्डिंग ऑन किया हम लोगों ने, हो गया. चलिए बॉक्स साइजिंग. The box sizing property allows us to include the padding and border in an element's टोटल विड्थ एंड हाइट. एच आर एच टू. देखिए विदाउट द सी एस एस बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट the width and height of an element is calculated
लाइक दिस। सलीम भी ऑनलाइन, रश्मि है। प्लस पैडिंग प्लस बॉर्डर इक्वल टू एक्चुअल विड्थ ऑफ एन एलिमेंट। इसी तरह से हाइट प्लस पैडिंग प्लस बॉर्डर एक्चुअल हाइट ऑफ एन एलिमेंट। दिस मीन्स when you set the width या height of an element, the element often appears bigger than you have set because the element border and padding are added to the elements specified width height। The following illustration shows two div elements with the same specified width and height। ओके तो पैडिंग जैसे कि हमें पता है कि हमेशा ये एडिशनल चलता है आपका, तो यहाँ जाइए एक डिप बना लीजिए और इसको एक क्लास या स्टाइल प्रॉपर्टी दे दो और स्टाइल में जाकर हम लोग क्या डिफाइन कर देंगे, विड्थ। विड्थ कितना रख देंगे 300 पिक्सल। हाइट, हाइट यहाँ डिफाइन कर लेंगे लाइक 100 पिक्सल। यहाँ लिख देंगे this div is smaller, width is 300 pixels and height is 100 pixels। तो इसका स्ट्रक्चर हमें क्लियरली विजिबल होता है। आप यहाँ पर लिखेंगे बॉर्डर और बिफोर द बॉर्डर आपको यहाँ पर सेमीकोलन लगा के इसको बंद कर लेना है। देखिए बॉर्डर 1px सॉलिड एंड कलर इज लाइक ब्लू। कॉपी बनाइए इसकी, एक दूसरा टिप बनाते हैं। लिखेंगे दिस डिव इज बिगर, width is 300 and height is 100 और इसको हम लोग बॉर्डर दे देते हैं लाइक रेड। दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप आ जाए क्या लगा देंगे BR। सो लेट्स चेक, तो अभी क्या दोनों सेम साइज के हैं। अब हम इस वाले में कुछ पैडिंग एड ऑन कर देते हैं, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर जाके पैडिंग ऐड किया इसमें, लाइक 50 पिक्सल्स।
तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये कुछ हमें इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। अब इस पार्ट को क्या करोगे आप, यहाँ से एक तो ये ओपन करो, राइट क्लिक करो, फाइल एक्सप्लोरर में आओ। तो अब ये जो हम लोग ट्राई कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, बूटस्ट्रैप वाली फाइल है। तो बूटस्ट्रैप में क्या था, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स पहले से ऑलरेडी लगा होता है, तो इसलिए यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा ये चीज़, तो ये आपको अलग में ही दिखाई देगा। तो काम करो, इसको आप यहाँ से हटा दो। ये पढ़ा रहे दो, कमेंट कर देता है, ठीक है। अब यहाँ जाके लिखिए the two div elements above end up with different sizes in the result because div 2 has a padding specified. चलिए बनाइए यहाँ पर एग्जाम्पल H3। यहाँ जाइए और लिखिए यहाँ पर डॉट div1 और विड्थ 300 पिक्सल, हाइट, और ये करने से पहले भी आपने स्टाइल टैग डाल देना है। हाइट इज 100 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू, डिप 2 सब कुछ सेम, बॉर्डर क्या हो जाएगा रेड। इसको एक पैडिंग दे दो लाइक 50 पिक्सल्स। बस कोड की थोड़ा सा हाइट बढ़ा दो। ये हो गया। फाइल ओपन करेंगे, इसको सेव एज कर लेंगे यहाँ पर, और इसको हम लोग नेम दे देंगे यहाँ पर बॉक्स साइजिंग। ओल्ड कॉपी रिप्लेस करेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखिए विदाउट बॉक्स साइजिंग। div1
डिप टू, ठीक है जी। फाइल का पाथ हमने चेंज नहीं किया, इसको करेक्ट करिए, लास्ट क्लास वाला ही आ रहा है। डिफरेंस समझ आ रहा है? तो ये हमारा 300x100 का डिव और ये हमारा 300x100 में जिसमें 50 पिक्सल्स का चारों साइड से पैडिंग है जो कि एड ऑन हो रहा है। बीच में थोड़ा गैप मेंटेन करना चाहते हो तो बीआर लगा लीजिए। Like this. चलिए तो ये हमारा इसका आउटपुट आ गया। अब इसमें बॉक्स साइजिंग में क्या लिखते हैं, बॉर्डर बॉक्स, जिससे क्या होता है हमारा गैपिंग रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे पैराग्राफ द बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी सॉल्व्स दिस प्रॉब्लम। कॉपी करेंगे पूरा, लिखिएगा विद द सीएसएस बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी। The box sizing properties allows us to include the padding and border in an element total width and height. If you set box sizing border box of an element padding and border
आर इंक्लूड इंक्लूडेड इन द विड्थ एंड हाइट। Here is the same example as above with box sizing, border box, added to both div elements. हमने डिव एलिमेंट कहाँ लिखा था, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको कॉपी करिए। चलो तो यहाँ पर जाके आप क्या डिफाइन करेंगे, बॉक्स साइजिंग इज बॉर्डर बॉक्स और इसको यहाँ भी ऐड कर दो। तो 15, 16, 17 कॉपी करिए इसको, यहाँ ये फाइल को सेव कीजिए, इसको रिनेम कीजिए बॉक्स साइजिंग न्यू। न्यू में आके आपने ये प्रॉपर्टी ऐड करनी है, यहाँ लिखिए विद बॉक्स साइजिंग, यहाँ लिखिए बोथ टेप्स आर दी सेम साइज नाउ। हुर्रे, चलिए न्यू वाली प्रॉपर्टी को यहाँ पर रिप्लेस करिए। ब्राउजर में आइए, क्लोज कीजिए, रिफ्रेश कीजिए, क्लिक कीजिए, तभी क्या हो रहा है, दोनों बॉक्स हमारे सेम साइज में। अब बात करते हैं उस दौर की जब बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी नहीं आती थी, तब इस चीज को कैसे डील करते थे। विड्थ कितना है, 300 पिक्सल्स, हाइट कितनी है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है, होता था पहले कि विड्थ को 200 कर दो, 50 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट, 50 पिक्सल फ्रॉम राइट, तब जाके हम लोग इस विड्थ को सेम कर पाते थे। इसी तरह से हाइट के अंदर भी जाके आप यहाँ पर हाइट को 0 कर दोगे या ऑटो के साथ रिप्लेस कर देंगे, तब की हाइट की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो जब CSS3 आया तो उसने ये प्रॉब्लम को ख़त्म कर दिया कि पैडिंग को पहले घटाना पड़ता था। अब चलो एक बार हो गया ठीक है, अब पैडिंग तो जगह जगह लगाओगे तो कितनी बार कैलकुलेशन करते रहोगे उसके अंदर। इस चीज़ को सॉल्व करता है बॉक्स साइज। तो क्लियर है, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं, जो भी हम लोग लेस करने का काम कर रहे हैं, बिंदास फ्री हैंड इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं। इट विल हैंडल ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक पर आइए। सिंस द रिजल्ट ऑफ यूजिंग द बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स
इज सो मच बेटर. मैनी डेवलपर्स वॉन्ट ऑल एलिमेंट्स ऑन देयर pages to work this way. The code below ensures that all elements are sized in this more intuitive way. Many browsers already use box sizing, border box for many form elements, but not all, which is why inputs and text areas look different at width 100%. Applying this to all elements is safe and wise. इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने एग्जाम्पल पर आइए. कॉल कीजिए, यहाँ लिखिएगा यूनिवर्सल सेलेक्टर बॉक्स साइजिंग इज बॉर्डर बॉक्स. यहाँ जाइए, फाइल को ओपन कीजिए और यहाँ जाके लिखेंगे बॉक्स साइजिंग ऑल. तो हम यहाँ पे लिखते हैं बॉडी मार्जिन 0, बॉक्स साइजिंग क्या लिखेंगे बॉर्डर बॉक्स. एक फॉर्म बनाओ, फॉर्म तो सीख लिया ना हम लोगों ने, एचटीएमएल में हो गया. एंटर करिए, यहाँ लिखिए फर्स्ट नेम, BR, लास्ट नेम कमेंट्स. कमेंट के लिए क्या यूज करते हैं, टेक्स्ट एरिया. चलिए इसके हम लोग रोज डिफाइन कर देंगे लाइक 5, और
फाइल को लिंक कीजिए। तो अभी हमारा कुछ इस तरह का फॉर्म बन के आ रहा ठीक है। अब इसको मैं ब्रॉड करना है फील्ड को, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इनपुट और जो टेक्स्ट है या फील्ड हम लोगों ने लिया है, विड्थ कितना कर दो उसका, ठीक है। तो ये अपना 100% दिखाई देगा आपको इस तरह से। कोई बटन लगाना चाहते हो तो लिखिएगा इनपुट टाइप सबमिट, यहाँ के बटन अपना। अब जरा यहाँ से बॉक्स साइजिंग को हटा के देखो और इसको लगा के देखो, तो अभी हमें कोई डिफरेंस पता नहीं चल रहा है। ये चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये देख रहे हो नीचे स्क्रॉलिंग आ रही है, और अगर हम लोग ये लगा देते हैं तो ये स्क्रॉलिंग चली जाती है। डिफरेंस दिखाई दे रहा है। Try to remove the box sizing property from the style element and look what happens. Notice that the width of input text area and submit button will go outside of the screen. चलिए तो अगर आप इनपुट में कुछ पैडिंग मेंटेन करना चाहते हो, हमने लिखा 10 पिक्सल, तो फील्ड हमारे पहले से ब्रॉड दिखाई देंगे, आपको दिखाई दे रहे बड़े बड़े फील्ड इस तरह से, और ये हटा देते हैं तो देखो फील्ड एकदम स्लीक हो जाएंगे, पतले पतले आएंगे। चलिए नंबर 27 बात करेंगे मीडिया क्वेरी। मीडिया क्वेरीज भी आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, सीएसएस मीडिया क्वेरीज। तो मीडिया क्वेरी का काम क्या होता है, डिजाइन को रिस्पॉन्सिव करना। The CSS media rule introduced in CSS 2 made it possible to define different style rules
फॉर डिफरेंट मीडिया टाइप्स. Media queries in CSS 3 extended the CSS 2 media types idea. Instead of looking for a type of device, they look at the capability of the device. तो इंट्रोड्यूस हुआ CSS 2 में, CSS 3 में ये क्या हो गया, एडवांस हो गया. तो यानी कि 3 में आने के बाद हमारे पास क्या कंट्रोल है कि भाई मान लो कि आपने एक वेबसाइट बनाया स्क्रीन के लिए, तो वेबसाइट दिखेगा कुछ और, आपने उसका प्रिंट आउट निकालना है तो डिज़ाइन हो जाएगा कुछ और. ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो. मीडिया क्वेरीज कैन बी यूज्ड टू चेक many things such as width and height of the viewport, orientation of the viewport, landscape or portrait. And third is resolution. तो मीडिया क्वेरी क्या क्या चीज़ें चेक कर सकता है, विड्थ एंड हाइट ऑफ द व्यूपोर्ट. व्यूपोर्ट क्या होता है, जो हमारी स्क्रीन होती है ना, ओरिएंटेशन ऑफ व्यूपोर्ट, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट. तो जैसे अभी हमारी स्क्रीन जो एट प्रेजेंट ये लैंडस्केप मोड में है, जो भी आप देख रहे हैं, तो बहुत सारे डिस्प्ले इस तरह के आते हैं जो रोटेट किए जा सकते हैं. मॉनिटर उस तरह के अवेलेबल हैं, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हो, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट. और थर्ड क्या चेक करता है, ये रेजोल्यूशन. So using media queries are a popular technique for delivering a tailored style sheet to desktop, laptop, tablets and mobile phones such as iPhone and Android phones. आईफोन का पी बड़ा होता है, अब सही है. एंड्रॉइड फोन्स. नेक्स्ट हम बात करेंगे सीएसएस
मीडिया टाइप्स, ये तो हो गया कि आपका मीडिया क्वेरी क्या क्या चीज़ें चेक कर सकता है। अब बात करते हैं टाइप्स की। तो VS5 टेबल डिफॉल्ट प्राइमरी को रिमूव, स्ट्रिप करेंगे इसको और इसमें जाके हम लोग डिफाइन करेंगे वैल्यू एंड डिस्क्रिप्शन। तो पहला वैल्यू होता है ऑल, बट स्मॉल में लिखते हैं, यूज्ड फॉर ऑल मीडिया टाइप डिवाइसेस। फिर आता है आपका सेकंड टाइप इज प्रिंट, यूज्ड फॉर प्रिंट प्रीव्यू मोड। थर्ड आता है स्क्रीन, यूज्ड फॉर कंप्यूटर स्क्रीन्स टैबलेट्स स्मार्ट फोन्स एट्सेट्रा। ठीक है, अब बात करते हैं CSS कॉमन मीडिया फीचर्स। Here are some commonly used media features. Copy this table. तो पहला ऑप्शन क्या था? ओरिएंटेशन। दूसरा ऑप्शन क्या होता है? मैक्स हाइट। फिर क्या होता है? मिनिमम हाइट। और क्या होता है? हाइट। और क्या होता है मेरे पास? मैक्स विड्थ। फिर होता है मिनिमम विड्थ। फिर होता है ओनली विड्थ। तो हमने अभी तक जितने भी मीडिया क्वेरी से रिलेटेड एग्जांपल देखे, हमने सभी में मिनिमम मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राई किया है। चलिए तो ओरिएंटेशन की बात करते हैं। ओरिएंटेशन जो कि लैंडस्केप या पोर्ट्रेट होता है ऑफ द व्यू पोर्ट, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, यहां लिखेंगे मैक्सिमम हाइट ऑफ द व्यू पोर्ट।
यहाँ क्या लिखेंगे, मिनिमम हाइट, यहाँ क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ द व्यू पोर्ट इंक्लूडिंग स्क्रॉल बार। फिर आता है मैक्स विर्थ, तो इसको लिखेंगे मैक्सिमम विर्थ ऑफ द व्यू पोर्ट मिनिमम। विर्थ ऑफ द व्यू पोर्ट, फिर विर्थ ऑफ द व्यू पोर्ट इंक्लूडिंग स्क्रॉल बार। नेक्स्ट मीडिया क्वेरी सिंटैक्स, मीडिया क्वेरी कंसिस्ट ऑफ अ मीडिया टाइप एंड कैन कंटेन वन और मोर मीडिया फीचर्स which resolve to either true or false। लिखिए यहाँ पर पैराग्राफ, क्लास बॉर्डर P3, यहाँ लिखेंगे मीडिया, क्या लिखा रहे हैं पर ओनली स्क्रीन, हम यहाँ लिखेंगे नॉट पाइप ओनली मीडिया टाइप। तो मीडिया टाइप क्या हो सकता है, ऑल हो सकता है, स्क्रीन हो सकता है, प्रिंट हो सकता है, ठीक है। मीडिया टाइप एंड मीडिया फीचर एंड मीडिया फीचर्स, यहाँ क्या आएगा CSS कोड, जो भी आप लिखना चाहते हो। कहाँ गया, दिखा दे रहे, तो इस तरीके का कुछ इसका स्ट्रक्चर रहता है। सही है, ऐसा
तो मीडिया फीचर्स जो होते हैं ना, मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ, या मिनिमम इतना मैक्सिमम इतना, इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो जो मीडिया टाइप होता है ये मैंडेटरी नहीं है, दिस इज ऑप्शनल। आप एट द रेट मीडिया और ब्रैकेट में अपना मीडिया डायरेक्ट चला सकते हो, और हमने इस तरह से यूज़ भी किया है। बात करेंगे इसके बारे में। पैराग्राफ, दी मीडिया टाइप इज ऑप्शनल इफ ओमिटेड OMITED, इफ ओमिटेड इट विल बी सेट टू ऑल ऑटोमेटिकली। हाउएवर इफ यू यूज नॉट और ओनली, यू मस्ट ऑल्सो स्पेसिफाई अ मीडिया टाइप। नेक्स्ट, द रिजल्ट ऑफ द क्वेरी इज ट्रू इफ द स्पेसिफाइड मीडिया टाइप मैचेस द टाइप ऑफ द डिवाइस द डॉक्यूमेंट इज बीइंग डिस्प्लेड ऑन एंड ऑल मीडिया फीचर्स इन द मीडिया क्वेरी आर ट्रू। व्हेन अ मीडिया क्वेरी इज ट्रू द कॉरस्पॉन्डिंग स्टाइल शीट और स्टाइल रूल्स आर अप्लाइड। फॉलोइंग द नॉर्मल कैस्केडिंग रूल्स। बनाइए एक डिव, डिव के अंदर बनाइए पैराग्राफ, और यहाँ लिखिए क्लास, इसको लिखिए मार्क, इसको लिखिए पैडिंग 3। सो मीनिंग ऑफ दी नॉट ओनली एंड एंड कीवर्ड। नॉट, दिस कीवर्ड इन्वर्ट्स द मीनिंग ऑफ एन एंटायर मीडिया क्वेरी। ओनली, दिस कीवर्ड प्रिवेंट्स ओल्डर ब्राउजर दैट डू नॉट सपोर्ट
मीडिया क्वेरीज, फ्रॉम अप्लाइंग द स्पेसिफाइड स्टाइल. It has no effect on modern browsers. Third is end. This keyword combines a media type and one or more media features. तो तीन आपके जो different different keyword हैं ये उनका काम हो गया. ठीक है, तो not only और एंड. नेक्स्ट आइए, सो यू कैन ऑल्सो लिंक टू डिफरेंट स्टाइल शीट्स फॉर डिफरेंट मीडिया एंड डिफरेंट widths of the browser window, बोले तो viewport. चलिए तो यहाँ डिफाइन करेंगे. लिंक रिलेवेंसी स्टाइल शीट मीडिया लाइक प्रिंट HREF प्रिंट डॉट CSS. नेक्स्ट मीडिया फॉर स्क्रीन लाइक स्क्रीन डॉट CSS. तीसरा मीडिया स्क्रीन एंड मिनिमम विड्थ 480 पिक्सल्स इस तरह से. एग्जाम्पल 1.css. नेक्स्ट 480 की जगह पर हम लोग क्या लिख देते हैं 701 एंड मैक्सिमम पिक्सल्स. तो इस तरह से हम लोग चार अपने सभी स्टाइल्स को डिफाइन कर सकते हैं. तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी स्टाइल इंटरनल या एक्सटर्नल चलाना सीखा है तो उसमें हमने इस तरह से अभी तक यूज़ नहीं करा. जैसे हमने यहाँ पर लिखा है मीडिया का टाइप क्या है, प्रिंट या स्क्रीन, या स्क्रीन के अंदर हम लोग ये चीज़ें लिख के बता रहे हैं कि CSS कहाँ से कहाँ तक चलेगा. तो ये आपका CSS जब बाहर से एक्सटर्नल आएगा तो ये लॉजिकल हो गया. तो स्क्रीन अभी तक क्या होता था कि आप CSS फाइल में ये बताते थे किस साइज़ पर चलना है. अब हम यहाँ पर ये इसके साथ साथ दो एक ही फाइल को दो अलग CSS दे रहे हैं और हम उसको ये बोल रहे हैं कि इस रेंज से इस रेंज के बीच में ये CSS चले, उससे नीचे ये वाला CSS चले, है ना. तो इस तरह से आप एक ही फाइल में दो अलग अलग CSS चला सकते हैं. और जैसे वो देखते हो कि डार्क मोड नाइट लाइट मोड, उसमें दो CSS होते हैं डे और नाइट के,
उसको हम लोग कंडीशनली चलाते हैं कि अगर बंदे ने मोड चेंज करा तो इस ये CSS आ जाए, अदरवाइज डिफरेंट रहे। नेक्स्ट HR, H2, मीडिया क्वेरीज, सिंपल एग्जाम्पल। वन वे टू यूज मीडिया क्वेरीज इज टू हैव एन अल्टरनेट CSS section right inside your style sheet. The following example changes the background color to light green if the viewport is 480 pixels wide or wider, if the viewport is less than 480 pixels the background color will be pink. Example other it media screen end. Minimum width फोर एट्टी पिक्सल। हमने बोलेंगे यहाँ पर जाके बॉडी एलिमेंट बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, लाइट ग्रीन। कॉपी दिस फाइल, ओपन योर सिंपल फाइल एंड रिप्लेस दिस फाइल media queries, ठीक है, और ओके कर दो इसको और यहाँ ला के अपना कोड डाल दो। नेम कॉपी एंड रिप्लेस। चलिए तो ठीक है, ये कोड हमने यहाँ पर कॉल किया। यहाँ जाइए, लिखिए रिसाइज द ब्राउजर विंडो टू सी द इफेक्ट। The media query will apply
will apply if the media type is screen and the viewport is 480 pixels wide or wider, या तो 480 pixels हो या उससे ज़्यादा बड़ा। Alright, तो right click, open with live server, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, click here, क्या दिखाई दे रहा है? हमारा कलर डिफरेंट आ रहा है और 480 या 480 पिक्सल्स ऊपर ये काम करेगा। अच्छा, दोनों भी चल रहा है, तो हमने बॉडी को कलर नहीं दिया होगा ना, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। हाँ, तो बॉडी को कुछ नया कलर पकड़ा दो, अबाउ चेक करो, तो फिर तुम्हारी छोटी नहीं हो पा रही है, आप यहाँ से पकड़ के और क्या छोड़े हम, जरा वो चेक करो, मीडिया स्क्रीन मिनिमम विड्थ, हमने व्यू पॉइंट नहीं लगाया है ना, मेटा नेम व्यू पोर्ट कंटेंट इक्वल टू विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ और नेशन स्केल 1.0। गलत जगह लिख दी हम, इसको करेक्ट कीजिए, ये कहाँ था, हेड के अंदर, फिर से चलाओ, आ गया। तो हमने 480 पर लिखा है इसको, तो जैसे ही 480 आएगा देखो चेंज हो जाएगा, तो 472, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये देखो 80 होती चेंज। तो नीचे लिखा रहे या तो 480 पिक्सल हो या 480 पिक्सल से बड़ा हो, तो देख रहे हो ये नहीं दोगे तो दिक्कत होती है, नहीं चलता है ना, तो आपको देना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे।